खबर लैने संगरूर तो। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने अनाज मंडी सुनाम विखे कणक दे खरीद प्रबंध दा लिया जायजा। मुख मंत्री पंजाब श्री भगवंत मान वल्लों दिते दिशा निर्देशों तहत अज पंजाब दे कैबिनेट मंत्री श्री अमन अरोड़ा वल्लों एशिया की दूजी सब तो वड्डी अनाज मंडी सुनाम उधम सिंह वाला विखे कणक की खरीद के प्रबंधा का जायजा लिया गया। इस मौके उन्होंने मार्केट कमेटी दफ्तर विखे अधिकारियों नाल समीक्षा मीटिंग करदिया हदायतां दित्तियां कि समुचे खरीद सीजन दौरान किसानां आड़तियां मजदूरां अते ट्रांसपोर्टरां नूं किसी किस्म की कोई समस्या पेश ना आवे। श्री अमन अरोड़ा ने कहा पंजाब सरकार वल्लों कणक दे खरीद कारजां नाल संबंधित वख वख वर्गां दे लोकां दी सुविधा लई सर्वोत्तम प्रबंधां दीआं कीतीआं हदायतां नूं इन बिन लागू करन विच कोई अणगहली बर्दाश्त नहीं कीती जावेगी। उन्होंने कहा कि सरकार दीआं हदायतां अनुसार किसी भी अनाज मंडी विच किसानां नूं जिमीदारां नूं आड़तियां नूं मजदूरां नूं जां किसी भी होर वर्ग नूं आपसी जींस दी विक्री चुकाई ढोआ ढुआई अदायगी विच कोई मुश्किल पेश नहीं आउण दित्ती जावेगी। उन्होंने कहा कि ओह जिथे खुद अनाज मंडियां दा दौरा कर रहे हन उत्थे ही जिला प्रशासन दे सीनियर अधिकारियां नूं भी अपनी निगरानी हेठ समुचे खरीद प्रबंधां दा जायजा लैंदे रहण दी हदायत दित्ती गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार वल्लों सूबा विच पिछले दिनी होई गड़ेमारी अते भारी बरसात कारण फसलां दे होए नुकसान दे मद्देनजर प्रभावित किसानां नूं तरजीही आधार उत्ते योग मुआवजा देण लई प्रशासनिक कार्रवाई तेजी नाल अमल विच लियांदी जा रही है। इस मौके उन्होंने अनाज मंडी विच किसान वल्लों लियांदी जींस दा जायजा लिया अते खरीद संबंधी बोली भी शुरू करवाई। पर सरकार दा हुंदे ते सरकार दा और किसानां दे विच आड़तीए लेबर आले ट्रांसपोर्टर ये सारे एक एक परिवार की तरह काम करते ने। अज असी सुनाम मंडी दी जिहड़ी एशिया की सैकेंड लार्जेस्ट मंडी है उहदे विच कणक की आमद जिहड़ी उह शुरू हो चुकी है। उहदी खरीद का कम है वो अज शुरू कराने के लिए आया। सारा प्रशासन सारे आड़ती वीर सारिया एजेंसीज के ऑफिसर के जिहड़े वह आए हैं और सारे नूं ये बड़िया क्लीयर हदायतां सख्त हदायतां मानसा वालों और सरकार वालों दित्तियां गई ने कि किसी भी साढ़े किसान वीर नूं किसी आड़ती भरा नूं किसी लेबर वाले नूं किसी ट्रांसपोर्टर नूं किसी व्यक्ति नूं किसी तरीके की ना कोई दिक्कत आनी चाहिए है और ना ही किसी तरीके की कोई बंगले है जी कोई किसी तरीके की कोई उन्नीकी काम ने या गड़बड़ा जी पहला पिछले सरकार के समय चलदी रही सी ना वो असं बर्दाश्त करने साफ सुथरे तरीके सुचजे तरीके सारे चाहे किसान ने चाहे आड़ती ने चाहे लेबर वाले ने चाहे ट्रांसपोर्ट ने सारे फैसिलिटेट करो ताकि सरकार इस काम नू बड़ी वधिया सोहणे सुचजे तरीके नाल इहनू पुख्ता। अमन जी इस बार बेमौसमी बरसातां रहियां की मॉइस्चराइजर भी तुसीं कोई रियायत दोगे? देखो इस तरह है कि यह रियायतां तां जिहड़ी देनी हुंदी ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने देनी हुंदी है ना पर असी हुण बारिश के उपर भी कुदरती करोपी जी पई है इन्ना चलो परमात्मा की कृपा रही कि अपने वाले इलाके दे विच सुनाम संगरूर जिले दे विच उन्नी मार नहीं बरसात की पई है कि जिन्हें बाकी इलाकों दे विच पई है पर फिर भी मार तो मार ही होंदी है। सो इस करके उहदे बारे भी सरकार वालों सीएम साहब वालों बड़ी क्लीयर हदायतां ने सारी एजेंसीज नूं कि नरम रुख अपनाउंदे होए ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਮੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਮੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵੱਧਦੀ ਸੀਗੀ ਉਵੇਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸੀਗੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਫ ਸੀ ਏ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਤਾਂ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਪਰ ਉਹ ਉਨਾ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਸਲਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜੂ ਸਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਣਸਬ ਦੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਤਿੰਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ 50,000 ਐਮਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵਲੀ ਤੇ ਪੰਸਪ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਵੀ ਅਲਾਓ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਰੈਸਟ ਅਸ਼ੋਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆੜਤੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਵਾਂਗੇ। ਅਮਨ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਮੱਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।